गुजरात एटीएस के मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि कैसे आप लोगों ने क्रैक डाउन किया, क्योंकि देखिए लगातार खबर मिल रही थी कि ये यूपी में है, शाहजहांपुर में है, यहां से नेपाल भागने की फिराक में है। तब आप लोगों को कैसे लगा कि ये गुजरात आ सकते हैं, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर हो सकते हैं? ये गुजरात के ही रहने वाले हैं दोनों आरोपी, और इसलिए इनके परिवार पे, मित्रों पे, सभी पे फिजिकल और टेक्निकल सर्विलेंस रखा गया था। और आज पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिली कि ये गुजरात एंटर करने वाले हैं, तो एटीएस की टीमों ने तुरंत मूव किया और इनको अरेस्ट करने में सफलता मिली। हम इनको उत्तर प्रदेश पुलिस को कल हैंड ओवर कर देंगे और आगे की प्रक्रिया उनके द्वारा की जाएगी जी। लेकिन हिमांशु जी, कितनी बड़ी सफलता इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के ही मुताबिक मुख्य आरोपी है ये, मुख्य साजिशकर्ता है, इन्होंने ही पूरी वारदात को अंजाम दिया, तो ये माना जाए कि सबसे बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में है ये दोनों? मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी था इन दोनों को अरेस्ट करना, पूरी कॉन्स्पिरेसी डिस्क्लोज करने के लिए। और अब आगे उत्तर प्रदेश पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, तो आगे के तथ्य तो उन्हीं के पास से मिल पाएंगे जी, बिल्कुल। लेकिन लेकिन जल्दी से आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आप लोग इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, इनसे पूछताछ हो रही है अभी, क्या यूपी पुलिस को हैंड ओवर करने से पहले आप लोगों की तरफ से क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा? ये प्रोसीजर जो क्रिमिनल कोड के हिसाब से अरेस्ट करके फिर कल उत्तर प्रदेश पुलिस ट्रांजिट रिमांड कोर्ट में लेके जाएगी, तब तक इनकी प्राथमिक पूछताछ होगी इनके रोल के बारे में। उसके बाद फिर ये ट्रांजिट रिमांड के आधार पे उत्तर प्रदेश की लखनऊ कोर्ट में इनको उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोड्यूस करेगी जी। हिमांशु जी, एक छोटा सा सवाल और है कि आपने कहा कि लगातार इनके जो संबंधित थे उनके फोन सर्विलांस पर लिए जा रहे थे, तो क्या इन दोनों के साथ साथ अभी तक आप लोगों ने किसी भी तरह की ट्रैकिंग ऐसी पाई है कि इनके अलावा कुछ और भी लोग इस पूरे षड्यंत्र पर में शामिल हो सकते हैं? क्या आप लोगों के रडार में कुछ और भी लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है इन फ्यूचर, इन दोनों की गिरफ्तारी के अलावा? हम लोग की तरफ से और कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस, अच्छा उत्तर प्रदेश पुलिस ने हम लोगों के साथ रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयर की, जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक हम और कोई कार्रवाई इसमें करेंगे नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उनके पास है, तो हमारी किसी भी कार्रवाई से उनके इन्वेस्टिगेशन को नुकसान ना हो, हमारी तरफ से कोई भी कार्रवाई की पहल नहीं की जाएगी जब तक वो वहां से दिशा निर्देश नहीं देंगे। ठीक है, जैसा जैसा वहां से आपको इनपुट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो हिमांशु जी, आप सुन रहे थे कि हिमांशु शुक्ला थे जो कि गुजरात एटीएस के डीआईजी थे, वो बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, कैसे